जोहार दोस्तों, मुंडारी लिपि, मुंडारी बानी या मुंडारी वर्णमाला, जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा या आप उसके बारे में जानते होंगे। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर एक ऐसे महान आदिवासी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मुंडारी लिपि को समर्पित किया और इसे निर्माण करने में अपना पूरा जीवन दे दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओल गुरु पंडित रोहिदास सिंह नाग के बारे में। दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि मुंडारी लिपि के आविष्कारक और निर्माता पंडित रोहिदास सिंह नाग ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित रोहिदास सिंह नाग के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे इस लिपि की खोज की और इससे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज़ आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह आदिवासी से जुड़े इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबा दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओल गुरु पंडित रोहिदास सिंह नाग का जन्म 5 फरवरी 1934 को ओडिशा राज्य के जिला मयूरभंज के गांव सालबनी में हुआ। वर्ष 1949 में इन्होंने मुंडारी लिपि के कुछ अक्षरों का आविष्कार किया और इसे अपने स्कूल के दीवारों पर मिट्टी से उन अक्षरों को बनाया और उस अक्षरों को लिखा। दोस्तों वर्ष 1953 में रोहिदास सिंह नाग 8वीं के छात्र थे और इसी वर्ष इन्होंने मुंडारी लिपि के 35 अक्षरों का आविष्कार किया और इसे और सरल बनाने की कोशिश की। वर्ष 1980 में उपयोग के लिए कुल 27 अक्षरों का चयन किया गया और ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपा कि जल्द से जल्द इसे मुंडारी भाषा में शामिल किया जाए और इसे लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों इसके कुछ सालों बाद तक इस पर किसी भी तरह की विकास या किसी भी तरह की कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने के कारण वर्ष 1999 में रोहिदास सिंह नाग और कुछ लोगों ने मिलकर खुद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा कि जल्दी से जल्दी इस लिपि को लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों इस लिपि के लागू होने को लेकर अभी भी किसी तरह का पूर्ण खबर नहीं मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों इस लिपि को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए मुंडा समाज के कई महान लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से इसे भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ज्ञापन सौंपा और इसे अपील की। वर्ष 1996 में आदिवासी भाषा और संस्कृति अकादमी के द्वारा सम्मान, वर्ष 2004 में भारत मुंडा समाज द्वारा उन्हें सम्मान और वर्ष 2010 में बारीपदा के बालंगी महोत्सव में उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों 30 दिसंबर 1912 को 78 वर्षीय रोहिदास सिंह नाग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा निर्मित यह मुंडारी लिपि आज भी हमारे साथ है और उनके इस महान कार्य के लिए पूरा विश्व उन्हें याद कर रही है। दोस्तों इसी याद में बारीपदा मयूरभंज ओडिशा में ओल गुरु पंडित रोहिदास सिंह नाग की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थापित की जा रही है और इस प्रतिमा की खास बात यह है कि यह ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जा रहा है जो कि वर्ल्ड फेमस स्टोन मगुनिया पत्थर से बनाया जा रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ इस प्रतिमा के पास में ही एक 20 लाख के लागत में एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है जो कि संभावना है कि पंडित रोहिदास सिंह नाग के अगले जन्म दिवस तक इसे पूर्ण किया जाएगा। दोस्तों यह प्रतिमा ओडिशा राज्य के जिला मयूरभंज के बारीपदा से 8 किलोमीटर दूर सालवनी चौक पर स्थापित होगी। और दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो भी इस जगह के आसपास हैं तो प्लीज़ आप लोग इस जगह पर जाएं और इस कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करने में अपना भागीदारी दें ताकि यह कार्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा संपन्न हो और इसे अपना उपस्थिति दर्ज कर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दें। तो दोस्तों आपको इस जगह का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस एड्रेस को लोकेट कर सकते हैं और इस स्थान पर जाकर के अपना एक उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत में शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें,
उसके द्वारा हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और आपके वहाँ के जो भी न्यूज़ है उसे हम अपने इस चैनल पर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने आदिवासी भाइयों के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।